नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। कहते हैं कि अगर दृढ़ संकल्पित होकर किसी भी कार्य को किया जाए तो सफलता मिलना स्वाभाविक है। सफलता का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है एकाग्रचित होकर सिर्फ ध्यान लक्ष्य की ओर होना। और ऐसा ही किया है सेफनी के रहने वाले आलोक जोशी ने। आलोक ने CGL की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर के पद पर उनका चयन हुआ है। परिणाम आते ही जहां परिवार में खुशी का ठिकाना न रहा तो आलोक के इस सफलता पर उनके शिक्षक भी गदगद दिखाई दिए। अजय माथुर ने कहा कि शुरू से आलोक अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहे हैं और उनकी इसी मेहनत का परिणाम है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनका ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। आलोक जोशी मूलतः सेफनी जनपद रामपुर के रहने वाले हैं, जिनके पिता का नाम रामबाबू जोशी है, जो पेशे में व्यापारी है। तीन भाइयों में आलोक सबसे छोटे हैं और उनके दोनों भाई भी व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स की शॉप है, माता इनकी गृहिणी हैं। आलोक जोशी ने सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा IAS बने, PCS बने, सेल्स ऑफिसर बने, अच्छा अधिकारी बने, लेकिन हर औलाद ऐसी नहीं निकलती है। वो कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है, औलाद में कमी होती है, बच्चों में कमी होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का सपना साकार करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक युवक जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप, गुरुजन, सभी का सपना साकार किया है। तो आज मेरे साथ आलोक जी हैं। तो आलोक जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम और अपना थोड़ा पता बताइए। आप नाम आलोक जोशी है और मैं सेफनी का रहने वाला हूँ, सेफनी वाला, सेफनी गाँव का निवासी हूँ। और मतलब मेरा चयन जो हुआ है इस बार SLS CGL 2019 के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर की रैंक पर हुआ है। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो आपकी शिक्षा है हाई स्कूल इंटर, वो कहाँ से किया? मैंने सेफनी से ही हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास की। तो उसके बाद आपको इस जो आपके जॉब मिली है इनकम टैक्स में, उसके लिए आपको किसने प्रेरित या आप उसका किसका सिर देना, जो सिरे है वो किसको देना चाहते हैं? इसके इंटर के बाद आगे की परीक्षा का सिरे या जो भी जिस डिपार्टमेंट में मुझे जाना था उसका सिरे अपने गुरुजनों के लिए ही देना चाहूँगा और उनके माध्यम से ही मैं आगे की अपने शिक्षा आगे बढ़ा सका। जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो उस बीच आपको कोई कठिनाई हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को बताइए आप। और बताना यही है कि इसमें असफलताएं मिलती हैं, क्योंकि आपके लिए अगर आप 100 एग्जाम देते हो, 99 एग्जाम आपके लिए असफलता का सामना करना पड़ता है। एक ही एग्जाम ऐसा होता है जिसमें आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी तरह। जी, सफलता मिलती है। आप डिप्रेस्ड मत होइए। मेरे भी लाइफ में काफ़ी मौके आए थे ऐसे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ था, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा मेरे लिए, ब्रेन में स्वेलिंग हुई। लेकिन भाई ब्रेन स्वेलिंग भी हुई है आप? जी हाँ, ब्रेन में स्वेलिंग हुई थी मेरे लिए और लगभग 2 से 3 साल तक लगभग मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो वही है, अगर कितनी भी प्रॉब्लम आए लेकिन आपके लिए अपने टारगेट पर फोकस रहना बहुत जरूरी है। जब आप हॉस्पिटलाइज रहे इतने दिन, तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया? लगभग 1 से 1.5 साल तो मैं बेड रेस्ट पर था और बुक्स से भी मुझे दूर रहना पड़ा। लेकिन वही था, माइंड सेट था, टारगेट फिक्स था कि कैसे भी रिकवरी करनी है। और वही की फिर उसमें गुरुजन से भी काफ़ी गाइडेंस लिया, उन्होंने समझाया, तो कहीं मतलब गिव अप करने की नहीं सोचा। प्रॉब्लम आती हैं उसके लिए फेस करना जरूरी होता है, वो फेस की थी मैंने। आलोक जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता, दो भाई और बहनें हैं, तीन बहनें हैं। तो जो आपके फादर हैं वो क्या काम करते हैं? आपका विभाग के ठेके हैं हमारे, और भाई भाई का सराफे का काम है जी। ये दो ही काम हमारे। और आपकी माता जी गृहिणी हैं। आप आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? अगर मैं कुछ भी अचीव करता हूं अपनी लाइफ में तो इसका श्रेय अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरुजनों के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए देना चाहूँगा। हम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार माथुर है और मैं यहाँ पर लगभग 8-10 साल से भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ। और ये आलोक जोशी मेरे स्टूडेंट हैं और जिन्होंने आज इनकम टैक्स ऑफिसर
के पद पर CGL के माध्यम से एक ऑफिसर के पद पर चयन लिया है, और मैं चाहता हूँ कि इनको देखकर मेरे और जो स्टूडेंट हैं वो भी प्रेरित हों और इनकी तरह एक समाज में अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें।